हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। आज हम नीट पीजी 2020 के यूपी स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं, जहां हम लंबे अरसे से इंतजार भी कर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं कि यूपी की फीस स्ट्रक्चर कम होने वाली है। जब हम इस पे बात करते हैं तो यूपी की फीस स्ट्रक्चर को एक्चुअली में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कौन बना देती है या बहुत ज्यादा बर्डनफुल कौन बना देती है, वो है उसकी सिक्योरिटी चार्जेस और उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट्स और उसकी हॉस्टल चार्जेस, जो कि हॉस्टल चार्जेस जो है वो मैंडेटरी है। तो जब आप उस किसी भी कॉलेज की हॉस्टल फीस को आप देखेंगे, उसकी ट्यूशन फीस से ज़्यादा है और उसकी सिक्योरिटी एक एक साल के 45-45 लाख तक है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ये बर्डन कम्प्लीटली पड़ता है कि आपको आखिर कितनी ज़्यादा फीस देनी है। और इसी फीस के कम होने के इंतजार में लास्ट ईयर से ही काफ़ी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और हम भी चाह रहे थे कि ये फीस स्ट्रक्चर कम की जाए। इसी के ऊपर मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस साल हो सकता है पीजी को लेकर के पीजी कोर्सेज में यूपी की जो फीस स्ट्रक्चर है उसको रिवाइज की जाए, उसकी फीसेस को थोड़ी कम की जाए। इसी को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से स्टेप्स लिए जा रहे थे, मीटिंग्स हो रही थी और सर्कुलर भी जारी किए गए हैं। आज एक पेपर के आर्टिकल में भी ये चीज क्लियर निकल के आई है कि यूपी स्टेट में पीजी कोर्सेज के लिए जो फीस है उसको निर्धारित की गई है, उसको तय किया गया है और कितनी फीस रहने वाली है, कितनी सिक्योरिटी चार्जेस रहने वाले, कितनी हॉस्टल फीस रहने वाली है, इसको लेकर के सरकार की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं कि आखिर कितनी चार्जेस आप ले सकते हो, उतने से ज़्यादा आपको नहीं लेनी है। तो देख लेते हैं कि यूपी में क्या क्या ये चार्जेस हैं, ट्यूशन फीस कितनी से कितनी रह सकती है, सिक्योरिटी और हॉस्टल कितनी रह सकती है, कितने से ज़्यादा कॉलेजेस को नहीं लेने हैं। तो जब हम इनमें बात करते हैं, यूपी स्टेट की बात करते हैं, तो टोटल 7 न्यू कॉलेजेस इस बार ऐड हुए हैं। 7 न्यू कॉलेजेस में पीजी सीट्स ऐड हुई हैं। तो उन 7 कॉलेजेस की जो पीजी सीट्स जिसमें इस बार न्यू पीजी सीट्स ऐड हुई हैं, उनकी फीस 7 लाख से लेकर के 14.5 लाख तक रहने वाली है। 7 लाख लोअर नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस की फीस रहेगी। इस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते 14.5 लाख आपकी क्लिनिकल ब्रांचेस की फीस रहने वाली है, जो कि कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है और पहली बात हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले जब आप देखेंगे तो इतनी कम फीस किसी भी मेडिकल कॉलेज में यूपी में तो नहीं थी। तो ये भी पहली बात हुई है। जब आप पहले देखेंगे तो अगर आप कंप्लीट चार्जेस देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं जो मिनिमम पड़ती थी, मिनिमम जाती थी क्लिनिकल चार्जेस के लिए, वो 23 लाख जाती थी, मगर अब क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट और हॉस्टल चार्जेस को रिकैप किया गया है और कुछ न्यू पीजी सीट्स ऐड की गई है, तो इस वजह से भी इनकी जो फीस है उसको कम की गई है और ये चीज स्टूडेंट्स के लिए काफी बेनिफिशियल है। इन 7 कॉलेजेस की जो मैंने आपको फीस बताई कि जो न्यू 7 कॉलेजेस हैं जिसमें न्यू पीजी की सीट्स ऐड हुई हैं, उनकी फीस 7 लाख से लेकर के 14.30 लाख तक फिक्स की गई है। बाकी जो पुराने 8 कॉलेजेस हैं, उन 8 कॉलेजेस की ट्यूशन फीस में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, मगर उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट और हॉस्टल चार्जेस में रिकैपिंग की गई है, उनको कम किया गया है। जो पुराने 8 कॉलेजेस हैं उनकी फीस 9 लाख से लेकर के 24 लाख तक रहने वाली है। 9 लाख नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस की फीस रहेगी और 24 लाख तक आप देखोगे कि क्लिनिकल ब्रांचेस की फीस रहने वाली है। 5 माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं यूपी में। इन 5 माइनॉरिटी कॉलेजेस में जो सरकार है उनके द्वारा फिक्स की गई फीस का कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि वो 5 कौन कौन से माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं वो देख लीजिए। एराज मेडिकल कॉलेज लखनऊ एक, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद दूसरा, थर्ड वन इज करियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ, फोर्थ वन इज इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज लखनऊ, फिफ्थ वन इज HF मेडिकल कॉलेज आगरा। ये 5 माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं जिनमें सरकार द्वारा निर्धारित की गई फीस का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये बातें हुई। अब देखते हैं कि वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं और उनकी फीस स्ट्रक्चर्स क्या रखी गई है। वो कॉलेजेस देख लेते हैं, फीस स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं कि ट्यूशन फीस कितनी रहने वाली है, सिक्योरिटी चार्जेस देख लेते हैं और इनकी जो ट्यूशन फीस है वो भी देख लेते हैं। आपको अगर मैं कट ऑफ की बात बताऊं तो लास्ट ईयर तक यूपी की कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा लो जाती थी। रीज़न यहाँ की महंगी फीस, ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने आप को यूपी के लिए एनरोल नहीं करते थे, काउंसलिंग के लिए एनरोलमेंट नहीं करते थे, जिस वजह से जो इनकी कट ऑफ थी वो बहुत ज़्यादा लो जाती थी, बहुत ज़्यादा नीचे जाती थी। मगर इस बार आपको इस पैटर्न में, इस टेंडेंसी में कुछ चेंज दिखेगा, क्योंकि अब जब यूपी की फीस को कम किया गया है तो ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स यूपी स्टेट के लिए अपने आप को एनरोल करेंगे और काउंसलिंग को अटेंड करना चाहेंगे। जब ये
जब ये टेंडेंसी स्टूडेंट्स के बीच में आएगी तो ऑब्वियसली आप कट ऑफ को और ऊपर जाता हुआ पाएंगे। ये सेम सिनेरियो आपकी 2019 के एमबीबीएस में भी हुई थी। 2019 के एमबीबीएस कोर्स में जब काउंसलिंग चल रही थी तो यूपी की राउंड वन काउंसलिंग में कट ऑफ बहुत ज्यादा लो गई थी, मगर जैसे ही इन फीसेस को रिकैप किया गया और यूपी की फीस को कम किया गया, वैसे ही हमने देखा कि राउंड टू में जो कट ऑफ थी वो ड्रास्टिकली इंक्रीज की और बहुत ज्यादा हाई चली गई। तो देख लेते हैं कि कॉलेजेस के नेम, उनकी ट्यूशन फीस क्या रहने वाली है और उनकी सिक्योरिटी चार्जेस क्या रहने वाले हैं, कितना ज्यादा रिलीफ आपको इस साल से यूपी में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कितना ज्यादा रिलीफ आपको मिल सकता है सिक्योरिटी चार्जेस और हॉस्टल फीस के टर्म्स में, जो पहले बहुत ज्यादा ली जाती थी। अगर आप सिक्योरिटी चार्जेस देखो तो 40-45 लाख तक सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट ली जाती थी, और जब हम हॉस्टल चार्जेस की बात करें तो 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख इस तरीके से हॉस्टल चार्जेस पर एनम लिए जाते थे। मगर इन्हीं चीजों को कम करने के बाद ये स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के ऊपर एक बहुत बड़ी मेहरबानी आप कह सकते हैं कि यूपी सरकार द्वारा की गई है। देखते हैं कौन कौन से कॉलेजेस की क्या क्या फीस रहने वाली है। सबसे पहले टीएस मिश्रा लखनऊ, जिसकी ट्यूशन फीस 8 लाख से लेकर के 10 लाख तक रहने वाली है। कहने का मतलब है 8 लाख नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए और 10 लाख क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए। हेरिटेज इंस्टीट्यूट वाराणसी 8 लाख से लेकर के 14 लाख 30 हजार, 8 लाख नॉन क्लिनिकल के लिए, 14 लाख 30 हजार क्लिनिकल के लिए रह सकती है। रामा मेडिकल कॉलेज हापुर 14 लाख 30 हजार की कॉन्स्टेंट फीस है। हिंद इंस्टीट्यूट सीतापुर 14 लाख 30 हजार की कांस्टेंट फीस है। रामा मेडिकल कॉलेज कानपुर 14 लाख 30 हजार की कांस्टेंट फीस है। राजश्री मेडिकल कॉलेज बरेली 14 लाख 30 हजार की कांस्टेंट फीस है। हिंद इंस्टीट्यूट बाराबांकी 9 लाख 37 हजार से लेकर के 24 लाख 37 हजार तक की फीस रहने वाली है। मतलब 9 लाख 37 हजार नॉन क्लिनिकल की फीस रहेगी और 24 लाख 37 हजार क्लिनिकल की फीस हो सकती है अपर क्लिनिकल की। राममूर्ति बरेली 9,55,000 से 9,55,000 से 24,84,000 तक फीस रहने वाली है, जिसमें नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए 9,55,000 की फीस रहेगी और जो अपर क्लिनिकल है उनकी फीस बढ़ के 24,84,000 तक जा सकती है। रोहेलखंड बरेली की बात करें तो 8,52,000 से लेकर के 22,17,000 तक फीस वेरी कर सकती है, जिसमें नॉन क्लिनिकल की फीस 8,52,000 रहेगी और क्लिनिकल की फीस 22,17,000 तक जा सकती है। सरस्वती की बात करें तो 8 लाख से लेकर के 19,13,000 तक फीस रह सकती है, जिसमें 8 लाख नॉन क्लिनिकल की फीस रहेगी और 19,13,000 आपकी अपर क्लिनिकल की फीस जा सकती है। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर की 8,73,000 से लेकर के 22,71,000 तक फीस रहने के चांसेस हैं, जिसमें 8,73,000 नॉन क्लिनिकल की फीस रहेगी और 22,71,000 क्लिनिकल की फीस रहेगी। रामा मेडिकल कॉलेज कानपुर 8,51,000 से लेकर के 11,91,000 तक की फीस रहने वाली है, जिसमें नॉन क्लिनिकल की फीस 8,51,000 रहेगी और क्लिनिकल के चार्जेस 11,91,000 रहने वाली है। स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा 9,23,000 से लेकर के 24 लाख तक फीस रहने वाली है, जिसमें नॉन क्लिनिकल की फीस 9,23,000 तक रहेगी और क्लिनिकल के चार्जेस 24 लाख रुपीज तक जा सकती है। सुभाती मेडिकल कॉलेज नोएडा 8 लाख से लेकर के 13 लाख 36,000 तक रहने वाली है, जिसमें 8 लाख लोअर नॉन क्लिनिकल की चार्जेस रहेंगे और 13,36,000 आपकी क्लिनिकल ब्रांचेस की ट्यूशन फीस रहेगी। तो ये जो मैंने आपको आपसे बातें की, ये जो आपको मैंने अभी फीस स्ट्रक्चर बताया, ये ट्यूशन फीस के बारे में बताया। अब ट्यूशन फीस को आप देखेंगे तो ट्यूशन फीस में कोई बदलाव नहीं है। जो लास्ट ईयर ट्यूशन फीस थी वही इस साल भी ट्यूशन फीस है। बदलाव है यहाँ की सिक्योरिटी और सिक्योरिटी डिपॉजिट और हॉस्टल में। सिक्योरिटी डिपॉजिट जैसा मैंने आपको बताया कि 45-45 लाख तक ली जाती थी, और जब हम हॉस्टल की बात करें तो 15 लाख 16 लाख 17 लाख पर एनम हॉस्टल के चार्जेस लिए जाते थे। आपको जानकर हैरानी होगी अगर आपको ये बात पता नहीं होगी कि 15 लाख 16 लाख 17 लाख आप पर ईयर अगर हॉस्टल चार्जेस देते हो तो पता नहीं किस तरीके के हॉस्टल में आपको रखा जाता होगा, किस तरीके की फैसिलिटीज आपको हॉस्टल में प्रोवाइड की जाती होगी। और सबसे बड़ी बात, हॉस्टल लेना भी मैंडेटरी हुआ करता था, जिसमें कि हुआ करता है, अभी भी मैंडेटरी है वहां पे। तो जब आप मैंडेटरी आप हॉस्टल में रहना चाहो या नहीं भी रहना चाहो, आपको हॉस्टल के चार्जेस देने पड़ते थे।
अब हॉस्टल चार्जेस को कम कर दिया गया है। अब हॉस्टल चार्जेस कोई भी मेडिकल कॉलेज 2,10,000 से लेकर के 2,50,000 तक पर ईयर ले सकती है, उससे ज्यादा नहीं ले सकती है। तो ये आप देखिए डिफरेंस, जहां 15,00,000-16,00,000 हॉस्टल चार्जेस लिए जाते थे उसको कम करके अगर 2,50,000 भी कर दिया जाए तो कितना का डिफरेंस, कितना कितना अमाउंट का डिफरेंस आपके ऊपर, कितने का बर्डन आपके ऊपर से हट गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी सिक्योरिटी डिपॉजिट, मैंने आपको बताया कि कॉलेजेस में 45-45 लाख तक सिक्योरिटी डिपॉजिट ली जाती थी, और अब जो सिक्योरिटी डिपॉजिट सरकार के तरफ से निर्धारित की गई है वो मैक्सिमम 5,00,000 की गई है। तो 5,00,000 और 45,00,000, जो पहले आप 45,00,000 पे करते थे सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे, वो अब आपको सिर्फ 5,00,000 रुपए ही पे करने होंगे। तो जब आप इससे इस फीस स्ट्रक्चर को, जब आप कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर को देखोगे 2020 की, मतलब ट्यूशन फीस प्लस सिक्योरिटी डिपॉजिट प्लस आपके हॉस्टल चार्जेस, इनको आप अगर मिलाओगे तो लास्ट ईयर 2019 के कंपैरिजन में आप पाओगे कि ये फीस बहुत ही कम हो चुकी है। और जब ये फीस बहुत कम हो चुकी है तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स यूपी में भी काउंसलिंग को अटेंड करना चाहेंगे, एनरोलमेंट करना चाहेंगे, काउंसलिंग में यदि उनको सीट मिलती है तो वो लेना चाहेंगे। और जब ये अवेयरनेस इतनी ज़्यादा फैल रही है तो ऑब्वियसली इस बार की जो कट ऑफ है वो आपको हाई जाती हुई यूपी में दिखेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ मैं गुलशन जहाँ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो तो दिए गए नंबर पर कॉल करें, कमेंट बॉक्स पर पोस्ट करें। कोई भी काउंसलिंग स्ट्रैटेजी के लिए आपको किसी भी तरीके की, आपको अगर काउंसलिंग स्ट्रैटेजी में आपको हेल्प चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके पेड सर्विसेज करियर मीडिया की अवेल कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।